न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 715 रन बनाकर घोषित की। इस तरह वो टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 700 से ज्यादा रन बनाने वाली 7वीं टीम बनी। यह टेस्ट फॉर्मेट में कीवी टीम का सर्वाधिक स्कोर भी है। बता दें कि श्रीलंका 6 और ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज 4-4 बार टेस्ट मैच की एक पारी में 700 या उससे अधिक स्कोर बना चुके हैं। इनके अलावा इंग्लैंड 3 और पाकिस्तान 2 बार टेस्ट की एक पारी में यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। रॉजर फेडरर ने दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे सेमीफाइनल में क्रोएशिया के बोर्ना कोरिक को सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से मात दी। फाइनल में उनका सामना ग्रीस के युवा खिलाड़ी स्टीफानोस से होगा, जिन्होंने शनिवार को ही फ्रांस के गेल मोनफिलिस को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फेडरर को फाइनल में उस खिलाड़ी का सामना करना है जिसने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में उन्हें मात दी थी। अगर फेडरर फाइनल में जीत हासिल कर लेते हैं तो यह उनका 100वां करियर टाइटल होगा। भारत के युगल बैडमिंटन कोच किम हर ने कोच पद से हटने का फैसला किया है। 47 साल के कोच का भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के साथ अनुबंध के खत्म होने में अभी 1.5 वर्ष का समय बचा था, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। किम इससे पहले इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के कोच भी रह चुके हैं। ऐसी भी अटकलें चल रही हैं कि उन्हें किसी अन्य देश से बढ़िया ऑफर मिल सकता है। उन्होंने हालांकि इस तरह की अटकलों में किसी भी तरह की सच्चाई की बात से इनकार किया। प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन का 9वां संस्करण इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा। इस स्टेडियम में यह टूर्नामेंट पहली बार खेला जाएगा। टूर्नामेंट 26 से 31 मार्च तक आयोजित होगा। 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट के पिछले 8 सीजन नई दिल्ली के सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होते रहे हैं। स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।